जय हिंद दोस्तों, वेलकम टी नाइन स्कूल्स। दोस्तों 14 जुलाई 2023 सभी भारतवासियों के लिए खुशी से एक भरपूर दिन था और उसके बाद हम सभी भारतीय लगातार उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश और चांद पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन चुका होगा। और साथ ही इसके साथ भारत और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाएगा। वो कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसी के साथ यहां पर बात करते हैं ल्यूना 25 की, क्योंकि दोस्तों रूस ने बीच में कूद कर, या फिर आप कह सकते हैं अपना 25 लॉन्च करके 14 जुलाई के कुछ दिनों बाद एक और नई रेस लगा दी है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की। और अब दोस्तों इस समय पर चंद्रयान 3 और लूना 25 के बीच एक जबरदस्त रेस हो रही है कि दोनों में कौन पहले चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। दोस्तों पिछले 47 सालों में चांद पर अंतरिक्ष यान भेजने की रूस की ये पहली कोशिश है। रूस ने 1976 में अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था। शुक्रवार को लॉन्च किए गए मिशन के तहत रूस का अंतरिक्ष यान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, लेकिन माना यह भी जा रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी हो सकता है। यही कारण है कि भारत ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ही अपना सॉफ्ट लॉन्चिंग करने का टारगेट रखा। अमेरिका और चीन ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यान उतारने के लिए एडवांस मिशन ऑलरेडी शुरू कर दिया है। रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के मुताबिक लूना 25 को सोयुज 2.1V रॉकेट से वोस्तिनो कोस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया। ये जगह मॉस्को से करीब 5500 किलोमीटर दूर पूर्व में है। सोयुज 2.1V रॉकेट का ऊपरी हिस्सा लॉन्च करने के एक घंटे के बाद इसे पृथ्वी की कक्षा से बाहर की ओर धकेलता हुआ चांद की ओर ले गया। लूना 25 में रोवर और लैंडर हैं। इसके लैंडर का वजन 800 किलोग्राम है। लूना 25 पहले सॉफ्ट लैंडिंग की प्रैक्टिस करेगा। इसके बाद ये चांद की मिट्टी के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने का काम करेगा। साथ ही वो लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च भी करेगा। ये रिसर्च लगभग एक साल की होगी। लूना 25 सोयुज 2.1B रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। ये 46.3 मीटर लंबा है और 10.3 मीटर व्यास वाले इस रॉकेट का वजन 313 टन है। चार चरणों के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को धरती के बाहर एक गोलाकार कक्ष में छोड़ दिया। कैसा है लूना 25, इसके बारे में भी बात करनी जरूरी है। लूना 25 का आकार छोटी कार के बराबर है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ये एक साल तक काम करेगा। हाल के कुछ वर्षों में नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियों ने बर्फ होने के निशान वहां पर पाए हैं। रूस के मून मिशन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाकर उसके अंतरिक्ष कार्यक्रम को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन पश्चिमी देशों के प्रतिबंध रूसी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने में कामयाब रहे। रूस पिछले कुछ दशकों से इसकी तैयारी कर रहा था। अगर उसका मून मिशन सफल रहता है तो यह उसकी एक बड़ी उपलब्धि होगी। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों की स्पेस एजेंसियों से रूस की एजेंसियों का आपसी सहयोग खत्म हो चुका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लूना 25 में अपना पायलट डी नेविगेशन कैमरा जोड़कर इसका टेस्ट करने की योजना बनाई थी, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद इसने यह योजना छोड़ दी थी। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग 1969 में चंद्रमा पर पहुंचने वाले पहले शख्स थे। रूस सोवियत संघ का लूना 2 मिशन 1959 में चंद्रमा की सतह पर पहुंचने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। 1966 में लूना 9 मिशन चांद पर रूस का पहला सॉफ्ट लैंडिंग मिशन था। रोसकोसमोस ने बताया कि मिशन का मकसद सॉफ्ट लैंडिंग टेक्नोलॉजी विकसित करने का है, साथ ही चंद्रमा की आंतरिक संरचना पर शोध करना और पानी समेत दूसरी चीजों को खोजना भी इसका मकसद है। देरी से लॉन्च, लेकिन चंद्रयान 3 से पहले कैसे चांद पर पहुंच चुकेगा रूसी मिशन, ये यहां पर एक जानने वाली बात है। और दोस्तों इसके बारे में जान लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए इसके बारे में भी हम यहां पर बात करते हैं। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि 14 जुलाई को भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है कि एक बहुत ही बड़ा प्राउडेस्ट मोमेंट रहा इंडिया के लिए, जब सबसे ज्यादा करीब से 6 अगस्त को
चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की कुछ इमेज ली और पूरी दुनिया को वो इमेज यहाँ पर भेजी गई। इस इमेज पर रिसर्च करना पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। रूस के स्पेस चीफ बोरसोव ने बताया कि लूना 25 इसी महीने 21 अगस्त को चांद की सतह छू सकता है, हालांकि ये डेट 23 अगस्त भी हो सकती है। लूना 25 मिशन 11 अगस्त को सुबह 4 बजे लॉन्च किया गया 11 अगस्त को सुबह 4 बजे लॉन्च किया गया, जबकि चंद्रयान 3 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। यानी दोस्तों लगभग एक महीने बाद रूस ने इस मिशन को लॉन्च किया। पहले इसके 23 अगस्त के चांद की सतह को छूने की उम्मीद थी, लेकिन अब इसके 21 अगस्त को वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी लगभग 2 दिन पहले। यानी रूस ये रिकॉर्ड बनाना चाहता है कि भारत से पहले चांद के दक्षिणी पोल पर लैंडिंग करने वाला देश जो है वो रूस बन जाए, भारत ये देश ना बने। जबकि पहले 14 जुलाई के अकॉर्डिंग जिस तरह से भारत का चंद्रयान 3 मिशन चल रहा था, चांद पर चंद्रयान 3 ही सबसे पहले पहुंचने वाला था, दक्षिणी पोल के बारे में अगर यहां पर बात करें। लेकिन अभी भी ये बात यहां पर निश्चित नहीं हुई है कि लूना 25 क्या वास्तव में 21 अगस्त को चांद की सतह पर पहुंच जाएगा। चलिए इसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूं। चंद्रमा की सतह को छूने के लिए निकला चंद्रयान 3 बीते महीने 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। चंद्रयान 23 अगस्त को चांद की सतह पर उतर सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत इतने सटीक तरीके से आगे बढ़ रहा है, किसी देश का उस पर कोई प्रेशर नहीं पड़ रहा है कि वो अपनी सॉफ्ट लैंडिंग पूरी ईमानदारी के साथ उसी दिन को करेगा जिस दिन उसने वहां पर निर्धारित किया है। यानी रूस के द्वारा लगाई गई इस रेस में भारत हिस्सा नहीं ले रहा है, बल्कि भारत का जो टारगेट निश्चित है वो अपने टारगेट पर पहुंचेगा ही पहुंचेगा एक सर्टेन समय पर। सवाल यह है कि आखिर लगभग एक महीने के बाद भी लॉन्च होकर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह को छूने में कैसे कामयाब होगा। देखिए, रूसी मिशन चांद की ओर से 5.5 दिन का सफर पूरा करेगा। वहां पर 100 किलोमीटर के कक्ष में 3 से 7 दिन बिताने के बाद चांद की सतह पर उतरेगा। चंद्रयान 3 मिशन रूसी लूना 25 मिशन के बाद में चांद की सतह पर पहुंच सकता है। इसकी वजह यह है कि चंद्रयान 3 लूना 25 मिशन की तुलना में लंबे रास्ते से सफर कर रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 अपने सफर के जरिए पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का लाभ लेना चाहता है, उससे काफी कम ईंधन पर सफर करेगा। हमने लूना 25 के जल्दी चांद पर पहुंचने से जुड़े सवालों पर रीचिंग फॉर द स्टार्स इंडिया जर्नी टू मार्स एंड बियॉन्ड के लेखक और विज्ञान पत्रकार पल्लव बागला से बात की। ये बात की बीबीसी ने। उन्होंने कहा कि ये रॉकेट के ताकतवर होने का मामला है। रूसी रॉकेट ज्यादा बड़ा है, हमारा रॉकेट छोटा है, लिहाजा हमारा रॉकेट चंद्रयान 3 को इतना वेग नहीं दे सकता कि ये ज्यादा रफ्तार से चांद की ओर जा सके। चूंकि ताकतवर और बड़ा रॉकेट ज्यादा खर्चीला है, इसलिए भारत ने छोटे रॉकेट के जरिए अपना मकसद साधने का प्लान बनाया। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत ने मौका नहीं गवाया, इसने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने मिशन को लॉन्च कर दिखाया। ये भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि है, जबकि रूस की तुलना में यह अंतरिक्ष मिशन के मामले में छोटा खिलाड़ी है। इसरो ने लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रोसकोसमोस को बधाई भी दी और लूना 25 की सफल लॉन्चिंग पर रोसकोसमोस को यहां पर बधाई भी दी। अब दोस्तों सवाल यह है कि रूस इस मिशन की तैयारी लगभग 1.5 साल से कर रहा था और भारत ने इस मिशन की तैयारी हाल फिलहाल में ही शुरू की थी। लेकिन दोस्तों अगर लूना 25 चंद्रयान 3 से पहले चांद की सतह पर पहुंच भी जाता है, उसके बावजूद भी इंडिया यानी भारत यहां पर कई बड़े रिकॉर्ड बनाने वाला है। इनमें सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही होगा कि सबसे कम कीमत में चांद की सतह पर पहुंचने वाला सबसे पहला देश भारत होगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सबसे कम कीमत में चांद की सतह पर पहुंचने वाला देश भारत होगा, सबसे कम किफायती दामों में, क्योंकि दोस्तों ये चीजें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और यहां पर जबरदस्त रोल प्ले करेगा कि सबसे कम पॉल्यूशन करते हुए चांद की सतह पर पहुंचने वाला पहला देश भी यहां पर भारत ही बनेगा। इसके बाद दोस्तों भारत लगभग 14 दिन तक वहां पर रिसर्च करेगा और उसके बाद बहुत सारी रिसर्च करने के बाद यहां पर पूरी दुनिया को वो चीज़ें सौंपेगा जो बहुत ही ज़्यादा महत्व जरूरी हैं। इन सभी रिकॉर्ड्स को बनाते हुए भारत चांद की सतह पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का 4th और दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का 1st या फिर 2nd
देश बनेगा। इस तरह से पूरी दुनिया में भारत की वाहवाही होगी ही, साथ ही चंद्रयान 3 पूरी दुनिया को चांद के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने में तो मदद करेगा ही, साथ ही सॉफ्ट लैंडिंग के सेक्टर में एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करके एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला भी देश बनेगा। हम सभी को अपने भारत पर गर्व है और साथ ही पूरी दुनिया को भी भारत पर गर्व होगा। हमें इसरो के साइंटिस्ट पर भी गर्व है। दोस्तों, इस सब के बारे में आपकी क्या राय है इस वीडियो के कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक